आज आपको एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ कि वो आदमी पिछले 30 साल में एक बार भी दुखी नहीं हुआ। उनका नाम है मैथ्यू रिकॉर्ड। वो 1972 में इंडिया आए। आप सोचिए, उन्होंने खुशी देखने के लिए इंडिया आए। दार्जिलिंग में उनको इनको गुरु मिले और 75 में उन्होंने विद्या सीखी। वो पूरे 75 से लगाकर आज दिन तक सिर्फ 1991 में एक बार उनके जब गुरु की डेथ हुई तब वो खाली दुखी हुए थे। पिछले 30 साल में तब विनकॉन्सन यूनिवर्सिटी जो यूएस की है ना, उनको लगा कि ये कैसा व्यक्ति है कि जो दुखी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर सर्वे किया, 12 साल रिसर्च की और उनके सिर पर 265 सेंसर लगाए गए और सेंसर लगा के तो देखा कि उनके सिर में गामा रेज चल रही है, जो दुनिया के कोई वो जो आप मेडिटेशन कराते हैं ना, काइंडनेस मेडिटेशन, यानी आपके मन में जितनी दया रहेगी उतनी वो भावना आपके मन में रहेगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 तरीके बताए आपको, 5 तरीके से आप खुश रह सकते हो। पहला तरीका, आप जब सुबह उठते हो तो कोई भी पीला कलर की आकृति, आप उठते ही पहले पीला कलर की आकृति को देखिए 1 से 2 मिनट आंखें खोल के, और उसको फिर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए। फिर और चाहे तो आप सूर्य की जो रोशनी है ना, वो सबसे बेटर है। अगर तो वो होने से क्या होता है कि आपके न्यूरो साइंस ये कहता है कि पीला कलर आप में उम्मीद और खुशी दोनों को एक्टिवेट करता है। और सुबह एक बार अगर आप देख लेते हो ना, तो कम से कम कई घंटों तक आपका चेहरा खुश रहता है। तो आपको सबसे पहले और इसमें क्या बोला गया है, ये आप सोचिए कि न्यूरो साइंस ये बोलता है कि आप इमोजी देखेंगे ना, इमोजी वो येलो कलर की इमोजी है। तो ये पहला एक प्रूवन साइंस है कि आप येलो कलर को सुबह सुबह देखिए, पहला मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र, आप काइंडनेस एक्सरसाइज कीजिए। काइंडनेस बोले तो जहां भी आप बैठे, ऑफिस में, घर में, 1 घंटे के बाद सिर्फ 10 सेकंड के लिए खड़ा होइए, अपने आप को स्ट्रेस कीजिए और 10 सेकंड तक खाली ये सोचिए कि आपने कोई अच्छा काम जो किया ना, सोशल अचीवमेंट, उसको याद कीजिए, खाली 10 सेकंड। उससे क्या होगा, आपका ऐसे करने से एक तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और सेकंड आपको क्या होगा कि आपका जो प्राइड कोटेंट है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, वो बढ़ जाएगा, वो आपको हैप्पीनेस बढ़ा दिया। तीसरा, आपके जो नजदीक है जो आपके डियर लोग हैं, उनका फोटो आप ऑफिस में या घर में रखिए सामने, ताकि क्या है, जब भी आपको फील हो कि मुझे थोड़ा आज स्ट्रेस फील हो रहा है, उनका चेहरा देख लीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है, उनका चेहरा आप अपने सामने। चौथा, जब भी आपको डिप्रेस फील करो, आप अखरोट खाइए। अखरोट आपके माइंड को एक्टिवेट करता है और खुशी जनरेट करता है। तो चौथा आप ये और पांचवा है ना, आप हंसिए। अगर हंसना नहीं आता है तो हंसने की एक्टिंग कीजिए, पर हंस जितनी बार आप हंसेंगे उतना दिया जो जो आपका आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो। ये किसी ऐरे गेरे आदमी ने नहीं कहा है, ये दुनिया का जो सबसे खुश इंसान है ना, वो किया। और सबसे बड़ी खासियत कि उसको ये खुशी हिंदुस्तान में मिली है। तो आप हिंदुस्तानियों के पास इतना खजाना है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने को ये सोचना चाहिए कि अपने यहाँ कैसे कैसे गुरु हुए हैं। तो आप मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए और आनंद लीजिए।